एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, और हम लोग देख रहे थे पृथ्वी पर देशांतर, यानी कि जो हमारा ग्लोब है, देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या हैं, इनको समझ रहे थे। कुछ मैंने होमवर्क दिया था, आज मैं होमवर्क करूंगा। जैसी होमवर्क आपका निमट जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ और चीजें बची हुई हैं उनको देख लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आपका नेक्स्ट जो हमारा आपका चैप्टर है उसकी तरफ आगे बढ़ चलेंगे। तो इतना सबको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक किसी को डाउट, को आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम बढ़ते हैं सीधा आपके डिजिटल बोर्ड की तरफ। ये वाला जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, ऐसे कितने बच्चे हैं जो उसको करके आए थे? हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने ये होमवर्क किया है, बताइए। क्या है कोई ऐसा बच्चा? बच्चों नहीं है तो देखिए, ये देखिए, और मैं आपको समझाया था कि ये जीरो है, दो रेखाएं होंगी 28, 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? शुरुआत ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक? ध्यान रखेंगे इतना। आगे देख लीजिए थोड़ा सा इसमें। अब देखिए, ये जो इतना रीजन होगा, ये वाला, ये कैसा होगा? ये उष्ण होगा, उष्ण कटिबंधीय। कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है? और ये तो मैं आपको बता चुका हूं ये कौन सी रेखा है, 23.5 पर, कर्क रेखा। मकर रेखा ध्यान रहेगा। अब देखिए, इसके बाद जो ये रीजन है, यानी कि ये वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, ये क्या कौन सा रीजन है बच्चों? शीतोष्ण, कटिबंध, ठीक है? ध्यान रहेगा। और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। लिखे यहां तक। और ये जो रीजन है पूरा, जिससे मैं अभी आपका दूसरे कलर से करूंगा, ध्यान दीजिए, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये जो आपका पोलर एरिया में जो दोनों साइड का जो आपका क्षेत्र होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा शीत का रीजन है। कैसा रीजन है? शीत। आपको स्पष्ट समझ आएगी जानकारी, क्या है शीत? ये बिल्कुल ठंडा है। यहाँ जो है दोनों तरफ, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो, यहाँ आपकी बर्फ है, और बर्फ होने की वजह से ये क्या है आपका? शीत रीजन है, ठीक है?
ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए कॉपी करिए इसको, ये होमवर्क था, करें से, फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स है उनकी तरफ बढ़ चलेंगे। क्लियर है बच्चों? आप इसको याद रखेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इसको होमवर्क के रूप में कॉपी करें। कर लीजिए कॉपी आप लोग अच्छे से, खुद से ट्राई करें एक बार, करने से होगा बच्चों। अगर आप इसको करोगे तो जो आपके रीजन है उनको आपको ध्यान देना है, सारी चीजों को, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों को। चलिए इस पे आगे जो है आप सारे को बहुत अच्छे से तो आप कंटिन्यू करते चलिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करिए, कॉपी कर लिया हो तो। चलिए आगे देखिए, और अब आगे जो है आपको जल्दी बताइए, ये जो आपने जितना पढ़ा है इतना आपको समझ भी आया कि नहीं? अगर आपको समझ भी ना आया हो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब है थोड़े आपके खाली स्थान भरो, कह रहे जो खाली स्थान है उनको भरना है। पहला खाली स्थान देखिए, मकर रेखा पर स्थित है। दूसरा, भारत का मानक यामोत्तर है। जीरो यामोत्तर को के नाम से, जाना जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, इसी में क्या कह रहे हैं, देशांतरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी की तरफ, जाती है। अगला देखिए, में स्थित है। ठीक है, फिर देखिए पर कॉपी करें एक एक करके अच्छे से, ठीक? आगे देखिए, भारत की जो आपका मर्क जो हमारी मकर रेखा है उसका निर्धारण कितने पर है? 23 है ना आप और साउथ, ना कि नॉर्थ। भारत का मानक समय कहां से निर्धारित होता है तो ध्यान रखना है 82:30, और वो भी कौन सा? ईस्ट।
जीरो योगांतर को ना जाना जाता है प्रधान मध्य रेखा, और देशांतर का जो है वो कहाँ होती है, दूरी ध्रुवों पर घटती जाती है, और इस पर ध्यान रखना है कहाँ वृद्धि थी, तो दक्षिणी। ठीक, आप कॉपी कीजिए इसको। चलिए कर लिया कॉपी, आगे बढ़े, देखते चलिए क्या करके। ठीक है, चलिए अब देखिए चैप्टर जो है ये पूरा समाप्त हो चुका है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं रही जो मैंने आपको शायद ना बताई हो, चीजें ना कराई हो, सारी चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक करके इसमें पढ़ा दी, बता दी, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण था सारी चीजें मैंने कराई। तो इस चैप्टर में जो भी चीज आपने पढ़ी है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, नहीं तो आज क्या है हम लोग इसमें नया जो आपका चैप्टर है हम उसको प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर को भी देखेंगे। ठीक, तो हम लोग आपका एक एक करके इसमें बात करें। ठीक है, अभी सौर मंडल से पृथ्वी, इसको हमको देखना है आपका कि सौर मंडल से पृथ्वी। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिए और एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग इसमें बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे चलिए, एक एक करके हम इनको देखते हैं और एक एक करके हम लोग अच्छे से इसमें बात करें। ठीक, चलो सबसे पहले इसमें देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन ही है तो नंबर एक दे रहा हूं मैं आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। चलिए बताइए ग्रह में और आपका तारों में क्या अंतर है, ग्रह किसे कहते हैं, तारे किसे कहते हैं, थोड़ा सा बताइए। क्या कर लेते हैं, बीच में एक लाइन बना लेते हैं, एक तरफ लिख देते हैं ग्रह और दूसरी तरफ लिख देते हैं तारे। आइए देखते हैं, सबसे पहले ग्रह के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, दूसरा है ग्रह सामान्य तारे से छोटा होता है। अपना प्रकाश नहीं होता बच्चों, मैं उल्टा करके होता नहीं, नहीं होता, नहीं होता। अगला देख लीजिए, तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा
सामान्य रूप में तारा ग्रह से काफी बड़ा होता है। होता है बड़ा होता है स्पीच है। लिखा आपने, पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चों करिए, या बच्चों कॉपी किया आप लोगों ने? तो ग्रह में क्या होता है बच्चों, अपना प्रकाश नहीं होता है और क्या होता है, सामान्य तारे से आपका छोटा होता है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसा होता है, सामान्य तारे से छोटा होता है। तारे की बात करें तो तारे में क्या होता है बच्चों, अपना स्वयं का प्रकाश होता है और क्या होता है, सामान्य रूप से जो है तारा बड़ा होता है ग्रह से। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह, पहले प्रश्न देखिए, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर मिलकर सौर मंडल मध्य मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे हम और हम सौर परिवार का देते हैं,
सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का लगाते हैं। उपग्रहों की परिक्रमा करते हैं, करते सूर्य का चक्कर लगाते हैं और क्या करते हैं, इनकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कॉपी करें इसको। निश्चित ऑर्बिट में बच्चों वो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा जितने भी उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, जो आपके ग्रह हैं उनके क्या करते हैं, आपका चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा क्रम जो है वो आपका बना हुआ है और आपको समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। ठीक है, और एक एक करके इन सारी चीजों को आपने समझा और देखा है। तो आज के लेक्चर में अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछिए। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग क्या करना है, चैप्टर को घर जाकर रिविजन करना है और आपको पढ़ना है, और इसी के साथ सारी चीज़ें बहुत अच्छे हो जाएंगी। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।